एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं बैदुर रहमान और मैं आपको बताने जा रहा हूं मुरादाबाद की आज की तीन बड़ी खबरें। मुरादाबाद की आज की सबसे बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन देर रात मुरादाबाद से दिल्ली के लिए जा रहे थे कि दिल्ली बॉर्डर से पहले उनकी कार का टायर बस्ट हो गया और कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में सपा सांसद, उनकी पत्नी, निजी सहायक और ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। सभी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सांसद के दिल्ली आवास पर पहुंचा दिया गया। बताया जा रहा है कि सपा सांसद कल शाम अपने एक परिवार में शोक होने की वजह से दफीने के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है तो इसलिए देर रात वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। गनीमत ये रही कि गाड़ी को नुकसान हुआ है और चारों लोग सुरक्षित हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर है पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयपर्दा से जुड़ी हुई। जयपर्दा पर आपत्तिजनक टिप्पणी का एक मामले की सुनवाई मुरादाबाद की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है। स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में आज समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन पर वर्ष 2019 में जयपर्दा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का जो मामला दर्ज हुआ था, अदालत में उसकी सुनवाई हुई। दोनों ही पक्षों के वकील अदालत में पेश हुए। अब इस मामले की सुनवाई अदालत अगली तारीख पर करेगी। तीसरी बड़ी खबर है, आज आम आदमी पार्टी के मुरादाबाद मंडल के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने देश के बड़े कारोबारी अडानी ग्रुप के खिलाफ मुरादाबाद कमिश्नर के कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन दिया और मंडल आयुक्त के द्वारा एक ज्ञापन उन्होंने राष्ट्रपति को प्रेषित किया, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग की गई है कि अडानी ग्रुप की जांच होनी चाहिए और जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक अडानी और उनके सहयोगियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि ऐसा ना हो कि अडानी भी घोटाला करके देश छोड़ जाए। इसलिए सरकार एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए और पूरे मामले की जांच करे कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है और तब तक के लिए अडानी ग्रुप के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएं। तो इस तरह की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी ने आज एक ज़ोरदार प्रदर्शन किया। ये थी आज की तीन बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा का डिजिटल बुलेटिन। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।